ढाई साल से ये जो आंदोलन चल रहा है, लोग रोज रोज वहाँ सिक्योरिटी कैंप के सामने धरना दे रहे हैं। और ये सिलगेर के ही नहीं है, पूरे बस्तर में कम से कम 20, नॉर्थ बस्तर साउथ बस्तर को लेकर 20 ऐसे आंदोलन चल रहे हैं साल से ऊपर, कई 2 साल, कई 2.5 साल, कई 1 साल, कोई 6 महीने। और सबका एक मुद्दा है कि इस देश में एक कानून है, पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसमें अगर कोई आपके ज़मीन में आके अपना कुछ भी बसाए तो आपसे पूछना चाहिए। ये हसदेव की लड़ाई नहीं है, ये कुट्रुमली की लड़ाई नहीं है, ये बस्तर की लड़ाई नहीं है। अब 4 महीने में गर्मी हो जाने वाली है दिल्ली में, आप लोग सब इतनी गर्मी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, एसी लगाते हैं, ये सब तो ठीक है, ये आपकी लड़ाई है, क्योंकि आपके यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आप आदिवासियों का जंगल काट रहे हैं और वो भी भुगत रहे हैं और आप भी भुगत रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपकी लड़ाई है, आप तुरंत इसको उठाइए प्लीज़। साथियों, जय अदानी। मुझे लगता है कि इस देश में हमें और कुछ कहने के पहले, हम वैसे तो हम जय जोहार, जय भीम, नमस्ते, सलाम अलैकुम सब कुछ बोलते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान होते थे, बहुत सारे रीति रिवाज, भाषाएं, सब कुछ, पहाड़, नदी, जंगल, सब कुछ होता था। पर अभी जहाँ भी देखो सिर्फ अदानी ही दिखते हैं, तो मुझे तो एंटी नेशनल नहीं बन रहा है, तो इसीलिए मैं शुरू करूँगी जय अदानी। मैं आपको भी एडवाइस देती हूँ कि आप भी जय अदानी बोलना सीख लें, नहीं तो आप लोग भी एंटी नेशनल हो जाएंगे। और फिर मैंने बताया था आपको, तो अब इस देश में ये हसदेव की लड़ाई नहीं है, ये कुट्रुमली की लड़ाई नहीं है, ये बस्तर की लड़ाई नहीं है। अब 4 महीने में गर्मी हो जाने वाली है दिल्ली में, आप लोग सब इतनी गर्मी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, एसी लगाते हैं, ये सब तो ठीक है, ये आपकी लड़ाई है, क्योंकि आपके यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आप आदिवासियों का जंगल काट रहे हैं और वो भी भुगत रहे हैं और आप भी भुगत रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपकी लड़ाई है, आप तुरंत इसको उठाइए प्लीज़, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इफ दैट्स ओके। Over the last 3 years almost, 2.5 years, people have been protesting in Silger, a village in the border of Bijapur and Sukma districts. How many of you have heard of the Silger struggle? Just please, apne haath uthaiye. Aapne agar Silger ya jo Bastar mein 2 saal, 2.5 saal se jo andolan hote aa rahe hain, कितने लोगों ने उनके बारे में सुना है? थोड़ा हाथ उठाइए। लेस देन अबाउट 30, ये तो ऑलरेडी चोजन ऑडियंस है तो ठीक है, 30% है, पर अगर मैं आम ऑडियंस को पूछती तो मुझे लगता है कि बहुत कम। फार्मर स्ट्रगल के बारे में सबने सुना है? किसने नहीं सुना है? अपना हाथ उठाइए। आपने नहीं सुना है? प्लीज़ थोड़ा कुछ ना गूगल कर लीजिए, ठीक है। आप सिलगेर के बारे में भी प्लीज़ थोड़ा गूगल कर लीजिए, क्योंकि ये 2.5 साल से ये जो आंदोलन चल रहा है, लोग रोज रोज वहाँ सिक्योरिटी कैंप के सामने धरना दे रहे हैं। और ये सिलगेर के ही नहीं है, पूरे बस्तर में कम से कम 20, नॉर्थ बस्तर साउथ बस्तर को लेकर 20 ऐसे आंदोलन चल रहे हैं साल से ऊपर, कई 2 साल, कई 2.5 साल, कई 1 साल, कोई 6 महीने। और सबका एक मुद्दा है कि इस देश में एक कानून है, पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसमें अगर कोई आपके ज़मीन में आके अपना कुछ भी बसाए तो आपसे पूछना चाहिए। अगर ये तो सिर्फ कानून का ही नहीं है, ये बेसिक कर्टसी है। अगर मेरे घर में कल कोई आके हैंडपम्प लगाना शुरू कर दे या जो भी कुछ लगाए, तो कम से कम मुझे पूछे तो ना। और लोग का जो गांव है वो उनका घर होता है, तो
अगर आप घर में माइन लगा रहे हैं या सिक्योरिटी कैंप लगा रहे हैं तो कम से कम उनसे पूछना चाहिए कि आप चाहते हैं इसको, नहीं चाहते हैं, आपका क्या राय है। पर अक्रॉस बस्तर पिछले कई सालों से, मतलब ये तो 5-6 साल से, मतलब 10 साल से ही चल रहा है, पर पिछले 5-6 साल से इंटेंसिफाई हुआ है, शायद 8 साल से, कि हर 2-3 किलोमीटर एक सिक्योरिटी कैंप होता है। और आपको, आपने कभी देखा नहीं होगा, जो जिस तरह के बस्तर के सिक्योरिटी कैंप्स हैं, पूरी बार्ड वायर से घेरे हुए हैं, जैसे कि कोई कंसंट्रेशन टाइप कैंप है। उसमें पूरे पेड़ काटे जाते हैं बिना बताए, रात को ये सारे सिक्योरिटी कैंप्स आते हैं। तो जब हमने पूछा कि, कलेक्टर से पूछा, आईजी से पूछा कि ये आप लोग बिना बताए रात को क्यों सिक्योरिटी कैंप्स डालते हैं, तो वो सिक्योरिटी थ्रेट होगा फलाना ठिकाना, तो पैसा का क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। तो हर 2-3 किलोमीटर एक सिक्योरिटी कैंप है, उसमें पूरी मतलब फोर्स भरी हुई है। और सरकार का कहना है कि अगर सिक्योरिटी कैंप नहीं होते तो हम रोड नहीं बना सकते। अब रोड बना रहे हैं, आप देखेंगे कि रोड जिस तरह से बन रहे हैं बस्तर में, 6-लेन हाईवे जो दिल्ली आगरा से भी ज़्यादा बेहतर होंगे, वो 6-लेन हाईवे, और वहाँ ज़्यादातर लोग के पास साइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी छोड़ दीजिए, मोटर व्हीकल छोड़ दीजिए, तो किसके लिए बन रही है 6-लेन हाईवे। और आप जैसे देखेंगे तो सीधा उनका माइनिंग से कनेक्शन है, जैसे रावघाट जो नॉर्थ बस्तर में है, उनके माइनिंग, वहाँ तो कोई माओज थे भी नहीं, फिर भी 22 सिक्योरिटी कैंप आ गए थे पहले से ही, 10 साल से पहले। बस्तर में कम से कम पिछले साल 64 कैंप आ गए, और ये कैंप मतलब 1.5-1.5 हेक्टर का बड़ा बड़ा कैंप होता है। और जब हमने आईजी से पूछा कि जब अगर फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, आप तो एक तरफ बोलते कि माओइस्ट प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ आप और अभी 3,000 और जवान भेजने वाले हैं, आज की ताज़ा खबर, आज की नहीं मतलब कल परसों की ताज़ा खबर है। और आपने आज की ताज़ा खबर सुना होगा कि एक छोटी सी बच्ची अपने माँ के साथ जा रही थी, वो बच्ची मर गई क्रॉस फायर में। अगर आप 3,000 जवान और भेजेंगे तो और भी 3,000 बच्चे मरने की डर है, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, मतलब आप इतना मिलिटराइज कर रहे हैं, इतना आप लोग को, और लोग चाहते नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि ठीक है अगर हमें रोड चाहिए तो आप हमसे बात कीजिए, हम लोग तय करेंगे कि कहाँ रोड बनेगा, कैसे रोड बनेगा, किसके लिए रोड बनेगा। तो आपके पास कैंप्स बनाने के लिए सब कुछ है, पर वहाँ स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, वो उतनी स्पीड से कभी भी नहीं आती, सिर्फ फोर्स आती है इतनी स्पीड से, कैंप्स आते हैं स्पीड से। पर जब सरकार को पूछा जाए कि हाँ बिना रोड बिना कैंप हम लोग स्वास्थ्य केंद्र नहीं ला सकते, पर ठीक है लाइए ना, वो लाते भी नहीं है, वो बहाना बन गया है बिल्कुल कि हम डेवलपमेंट के कारण ये सारा ला रहे हैं। अब पेड़ की कटाई की बात हो रही है, तो आप सोचिए कि हर 2 किलोमीटर में इतना बड़ा सिक्योरिटी कैंप आएगा, तो वहाँ जो पेड़ है उनका क्या होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पेड़ काटे जाते हैं, कौन ले जाता है पेड़, किसी ने हमें जवाब नहीं दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फॉरेस्ट जब कलेक्टर ने बोला कि हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नहीं आईजी ने बोला था कि हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके मार्क करते होंगे, पर और उसके बाद ही कटाई होती है, पर अगर आप बीच रात में आके सारे पेड़ काट रहे हैं तो फिर कैसे पहले से मार्किंग हो रही है, कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई लॉ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लोग सोचते कि उनको ज़रूरत भी नहीं है कुछ लॉजिक या लॉ फॉलो करने की। दूसरी चीज़ है कि ये पूरे इलाका में सर्वे नहीं हुआ है बहुत सालों से, तो ये एक्सक्यूज़ हो गया है कि लोग क्योंकि सरकार ने सर्वे नहीं किया है तो इसीलिए अनसर्वेड लैंड है, तो जो भी कुछ करना चाहते हैं, या पेड़ काटना चाहते हैं या सिक्योरिटी कैंप डालना चाहते हैं या जो भी कुछ डालना चाहते हैं, उनको पूरी छूट है। तो अगर हम बस्तर की जो सिचुएशन देखते हैं, वो जिस तरह मिलिटराइज्ड हो गया है और फिर भी लोग इतना लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल से धरना बैठे हैं,
अभी हाल से ये नए गवर्नमेंट आने से लोग को अरेस्ट कर दिया गया था, मतलब जो आंदोलन पर बैठे हैं कई लोग को अरेस्ट हुआ है, और उम्मीद है कि, उम्मीद नहीं है मतलब डर है कि और भी लोग को अरेस्ट करेंगे। तो अब कहने के लिए क्या है, आप लोग खुद ही सोचिए कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और माओइस्ट भी बिल्कुल मूर्ख और नालायक लोग हैं, मतलब उससे भी और ज़्यादा खराब। इस साल मैं जून में गई थी तो उन्होंने किसी आदमी को मार दिया, तो उस गांव में जब मैं जा रही थी उस इलाके में, पुलिस मुझे बोल रही है कि अरे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, माओस ने आदमी को अपहरण करके ले लिया है, हम क्या कर सकते। तो आपके 64 सिक्योरिटी कैंप्स कर क्या रहे हैं, आपके बगल के कैंप के बगल में एक आदमी को मार रहे हैं जन अदालत में, और आप बोल रहे हैं कि हम सिक्योरिटी के कारण ये कैंप्स ला रहे हैं। आप सिक्योरिटी के कारण ये कैंप्स नहीं ला रहे, लोगों की सिक्योरिटी के कैंप्स नहीं ला रहे, माओस को ख़त्म करने के लिए नहीं ला रहे, आप माइनिंग के लिए ला रहे, और आप सच बोलने की हिम्मत नहीं है उनको, सरकार को, कि क्यों ला रहे हैं इतने सिक्योरिटी कैंप्स और रोड्स। अगर ये पूरे देश को अदानी को बेचना है, अदानी का एक माइन उन्होंने लोगों की स्ट्रगल के कारण रुक गया था, जो प्रतापगिरी में जो नंदराज का जो पहाड़ है डिपॉजिट नंबर 13, लोग ने उसको रुकवा दिया पिछले सरकार में, अभी शायद वो दोबारा शुरू होगी, क्योंकि जो अदानी चाहता है वो बीजेपी देता है, जैसे माँ अपने बच्ची को देती है जो भी दूध चाहता है, तो वैसे ये सरकार, बीजेपी सरकार, अदानी को जो भी चाहता है वो देने की कोशिश करती है, तो हो सकता है कि वो दोबारा शुरू करे। मैं बस एक आखिरी चीज़ से ख़त्म करना चाहती हूँ, इस साल इस महीने जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ राम मंदिर को खोल रहे हैं, काशी विश्वनाथ को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ज्ञानवापी को तोड़कर काशी विश्वनाथ को वहाँ बसा, मतलब फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, शाही ईदगाह को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सब आपके फेथ का, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू प्रिजर्व योर फेथ, बट जब आदिवासी का फेथ होता है, जब नंदराज है या सुरजागढ़ है जहाँ अभी वहाँ इतना ज़्यादा रिप्रेशन हुआ था महाराष्ट्र में, या ओडिशा में नियमगिरी है, या तो आदिवासियों का कोई फेथ नहीं होता, क्या उनको भी सिर्फ जयादानी ही गाना पड़ेगा, क्या उनके भगवान भगवान नहीं होते, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनकी कोई अस्मिता नहीं होती, क्या वो आपके लिए क्या है, आपके लिए इंसेक्ट है क्या, कि वो कोई, मतलब आप उनको चाहे आप जितना भी रिप्रेस करना चाहते हो रिप्रेस करो, उनके घर में सिक्योरिटी कैम्प डाल दो, उनके गांव में, उनके जंगल में माइनिंग करो, तो उनकी जो अस्तित्व है वो भी पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। और वो यही सरकार जो फेथ की बात करती है, हिंदू मुस्लिम रोज करती रहते हैं, तो एक बार वो और बोलते हैं कि सनातन सरना एक है फलाना फलाना, तो ये सारे जो पहाड़ में जो भगवान हैं उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रही है सरकार, बिल्कुल एंटी फेथ है, जनता की जो फेथ है उसके खिलाफ है। और एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बना के उन्होंने सोच लिया कि हमने सब कुछ कर लिया, क्या ये सारे देश के जो संविधान के जो कानून हैं उनको ख़त्म करके वो आदिवासी प्रेसिडेंट को शर्म नहीं लगेगा। थैंक यू।